फैसला, वो तो इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं, तो इतिहास बनाने की काशी से जब बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, तो उसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी हार। अरे रुक जाइए, उनको बोलने, आप बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या आपने? सबसे बड़ी हार बीजेपी। धर्मेंद्र जी बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या? सिद्धार्थ जी बस मैं हिमानी जी तीन बात बोलूंगा, और मैं प्रोफेसर साहब से भी, शर्मा जी से भी, स्वामी जी सबसे आग्रह करूंगा, थोड़ा सा सुने संयम के साथ। पहली बात तो इनका कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल रहा उत्तर प्रदेश में, इतिहास तो ये होगा, पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा। देश भर में राहुल गांधी की उम्र से कम कांग्रेस पार्टी की सीटें आने जा रही है, और उत्तर प्रदेश से तो बिल्कुल साफ होने जा रही है, पहली बार। दूसरी बात मैं कहता हूं, शर्मा जी उसके बाद जवाब दीजिएगा, कोई भी सामान्य व्यक्ति देश का काशी जाए और फिर रायबरेली जाए, जहां पर जिस एक क्षेत्र ने कांग्रेस पार्टी के परिवार को इतनी बार समर्थन दिया, बार बार चुन करके दिया, उस रायबरेली और अमेठी का क्या हाल था, और काशी का प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने क्या विकास किया, एक बार उस जाकर को तुलना को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कौन मुद्दों की बात करता है, कौन विकास की बात करता है, कौन डेवलपमेंट के साथ करता है। तीसरी बात, ये जो अभी बात कर रहे थे ना शर्मा जी कि हमारे पास मुद्दे कहां हैं, हमने कहा 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, इन्होंने क्या कहा, वोट जिहाद करो। हमने कहा कि हमने 12 करोड़ लोगों को इज्जत घर बनवाया, ये क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान ने कोई चुड़िया पहनी हुई है क्या? हमने बोला कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, हमारा देश स्टार्टअप्स का हब बन चुका, ये लोग बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को इज्जत दे करके बात करा करिए। ये है फर्क, हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि 5 मेट्रो सिटी थी हमने 20 कर दी, 50,000 किलोमीटर के हमारे हाईवे बढ़ गए, हमारे देश में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, और ये क्या बात कर रहे हैं? ये मात्र बंटवारे की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछड़ों का भी हक छीन करके देना चाहते हैं। इतना चुन चुन कर आप कहीं कुछ भी कि आप चार ही जाति जानते हैं, लेकिन क्या है ना कि उत्तर प्रदेश की जब बात हो, बिहार की जब बात हो, तो जाति है कि जाति ही नहीं। तो यही कारण है कि वो सारे समीकरण आपने उसमें आप ये कहिए कि उसको टारगेट आपने कर लिया, ग्रैब कर लिया आपने इसके जरिए। हिमानी जी मैं बस 10 सेकंड का जवाब दूंगा। जब हमारा जिस दिन मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था, हमने अपने मैनिफेस्टो की पहली प्रति एक महिला, एक किसान, एक गरीब और एक युवा को दी थी। हम आज प्रधानमंत्री अगर वहां पर नामांकन भरने गए हैं, तो उनके साथ वो व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए मुहूर्त निकाला था, शास्त्री थे, पिछड़े वर्ग से व्यक्ति वहां पर उनके साथ मौजूद था, शोषित समाज से उनके साथ व्यक्ति मौजूद था। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की राजनीति है। अरे हम तो कह रहे हैं ना सबको साथ लेकर के चलेंगे, पर आप किसके लिए काम करते हैं? बात करेंगे ओबीसी एससी एसटी की, देंगे वोट चाहिए कहीं और से, है लेटर निकाल देंगे, कर्नाटक में जाकर के सब लोग कांग्रेस को वोट करिए तो ऑल इंडिया सुन्नी बोर्ड आपको टिकट भी देगा, पैसा भी देगा, कर्नाटक में आरक्षण छीन करके पिछड़ों का उनको दे देंगे, बंगाल में छीन के उनको दे देंगे, आंध्र प्रदेश में छीन करके उनको दे देंगे, संसाधनों पर पहला अधिकार किसी का? आपकी राजनीति क्या है? आप तो एक वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। हम जब किसी को लाभ पहुंचाते हैं तो देखते नहीं है उसके जाति क्या है, धर्म क्या है, हम कुछ नहीं देखते। अगर कोई हिम्मत उठा पाया कि सब वर्गों के काम कर पाए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इसीलिए प्रीति जी और फिर प्रोफेसर स्वामी, 55 साल की उम्र के राहुल गांधी को आप कहते हो कि 55 सीटें मिलेंगी, 55 प्रश्नों का जवाब आप नहीं दे पाए आज तक। जो प्रश्न राहुल गांधी जी ने आपके सामने खड़े करे, 55 से कम, उसका जवाब ना 55 से भी कम, आप बोल रहे थे सुन रहा था, ना भाजपा दे पाई, ना आपके प्रवक्ता दे पाए, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री दे पाए। अब विषय आती है, हम 55 लाएंगे उसकी चिंता है आपको? बौखलाहट आपकी, आपके पास ज्यादा है, क्योंकि सुबह से शाम तक आप राहुल गांधी जपते हैं, और देश को आपने क्या दिया? देश को आपने रोजगार के नाम पर बेवकूफ बना के बेरोजगारी दी, देश को आपने महंगाई के नाम पर महंगाई डैन रूपी विकराल रूप दिया, जिसके अंदर 400 रुपए का सिलेंडर 1400 रुपए पहुंच गया। देश के अंदर जिस ध्रुवीकरण और भाईचारे की बात थी, उसको आपने हर इलेक्शन में हिंदू मुसलमान पे तोड़ दिया, और देश के अंदर आपने क्या दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई के अंदर, ये आपकी उपलब्धियां बता रहा हूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ और भाजपा से बचाओ, क्योंकि जितने भी इंसिडेंट 10 साल में हुए वो भाजपा के नामी गिरामी लोगों के हुए। किसी के ऊपर भी देश के प्रधानमंत्री ने अपने प्रवचन से बोला, प्रवचन रमन्ना के लिए वोट किसने मांगा था, क्यों मांगा था? 2627 महिलाओं के साथ नैतिक संबंध बनाने वाली महिलाओं के लिए मणिपुर की महिला कोई और हो गई, और बंगाल खाली की महिला कोई और हो गई। ये ध्रुवीकरण आपने देश के अंदर किया, देश आज आपकी तरफ संदेश खाली, संदेश खाली, क्योंकि देश का नाम भी आप नहीं बोल पा रहे ना, सरकार वहां पर संदेश खाली में 11 साल ये चला है शर्मा जी, कि कितने गांव शहर में बदले, और कितने शहर के अंदर रोजगार मिला, और कितने शहर के अंदर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल पर भी बोलती थी, मुख्यमंत्री की आवाज में सांसद को पीटा जा रहा है, इसरो बने, लेकिन आपने जो बने उस पे ताले लगा दिए, और जो बचा था उसको अपनी मित्र मंडली को बेच दिया।
तो अब डमरू कैसे बजे, क्योंकि देश के ऊपर तो करोड़ रुपए का खर्चा है और कर्जा ले लिया। तो आपको जब याद आती कुछ कहना चाहिए तो माँ मटर महिलाओं की भी बात, ठीक है, बात करें तो देश में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे कि बनारस में डोम राजा कौन है। बनारस मोक्ष की नगरी है और मणिकर्णिका घाट और दूसरे घाटों पे जहां पे हम शरीर त्यागते हैं और हमें अग्नि दी जाती है, वो जो परिवार है जो वर्षों से काम करता आया है उनको कहते हैं डोम राजा। मतलब हमारे बनारस में कहावत है कि जब बड़े ऐठन में कोई रहता है तो कहा जाता है कि अच्छा आओगे तो आखिरी में यही ना, तब तुम्हें देख लेंगे। तो डोम राजा परिवार के जो डोम राजा परिवार से जो उनके बेटे थे वो पिछली बार 2019 में प्रस्तावक थे प्रधानमंत्री जी के। कोई सोच भी नहीं सकता हिमानी जी कि इस छुआछूत जैसे देश में जहां आज भी बहुत जगह ये सब चीजें होती हैं वहां पे प्रधानमंत्री प्रस्तावक के रूप में डोम राजा परिवार से किसी को चुनेंगे। तब देश में बहुत लोगों को पता चला कि डोम राजा कौन है। तो जो आप बार बार जाति, बिल्कुल जाति समझ कर, तो पूरे देश में है ना, क्या पूरे देश में सिर्फ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ऐसा नहीं है ना। हाँ। सब तरह के लोग हैं। तो सही बात है कि जो इस बार चार लोगों को लिया गया है जो प्रस्तावक के तौर पे जिनको चुना गया है उसमें एक ब्राह्मण है, दो ओबीसी हैं, एक दलित है, तो बिल्कुल ये समीकरण ही बनाया जाता है। और मैं तो बहुत खुश हूं कि बनारस में हम जितने लोग अलग अलग धर्म जाति की जाति की राजनीति नहीं करती। नहीं नहीं, मैं एक बात, अगर चार ब्राह्मण चुन लिए जाते प्रस्तावक के तौर पर तो विपक्ष जीने देता क्या प्रधानमंत्री को? या चार अगर एसटी चुन लिए जाते, चार अगर एसटी चुन लिए जाते तो क्या ओबीसी वर्ग नहीं कोई सवाल करता? तो क्यों नहीं हम अगर चार वर्गों के अलग अलग लोगों को लेके आके प्रस्तावक बनाने से बुराई क्या है? क्या बुराई? डोम राजा को तो कोई जानता भी नहीं थे भाई, 2019 में पता चला कि डोम राजा को तो जानत जिनको केंद्र तो मोक्ष मिलने जा रहा है। पर डोम राजा परिवार के बारे में, और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ये कहते हैं ना प्रोफेसर स्वामी कि अंतिम जो व्यक्ति है उस तक भी वो बात पहुंचनी चाहिए, वो चीज पहुंचनी चाहिए, तो कहीं उसको भी उस तरह से मान सम्मान जिसका एक चीज और 2021 में इसी परिवार ने, इस परिवार का हम बनारसी बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि आखिरी में सबको वहीं जाना है और अग्नि उन्हीं से मिलती है। 2021 में उनको पद्मश्री जो मिला मरणोपरांत उस परिवार में, डोम राजा के परिवार में ये सम्मान भी यही प्रधानमंत्री ने दिया, जो आज तक देश की आजादी के बाद डोम राजा के परिवार को किसी ने पद्मश्री नहीं दिया। तो फिर इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए प्रोफेसर स्वामी? देखिए, काशी जो है वो संस्कारवान नगरी है, वरना पंजाब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव वाले किलों से गाड़ के और दौड़ा रहे हैं और हड़का रहे हैं और भगा रहे हैं। काशी में ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन मैं अगर काशी जाता तो माननीय मोदी जी से कहता कि उस ITBHU के हॉस्टल के सामने जिन DBJ के और वो कार्यकर्ता थे जो माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से मिले थे, उनके बड़े कार्यकर्ता थे, हो सकता है उनको विधायक का टिकट मिल जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिल सकता है। टेनी महाराज के जिनके बेटे ने किसानों को उछला, उसको टिकट मिल सकता है। अरे ये तो काशी की सभ्यांत जनता है, वो वोट के चोट से मारेगी। अभी मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिलने वाली है, अभी देखिएगा कैसा कैसा खेल होगा। अभी तो इनकम टैक्स के दफ्तरों में आग लगी है, अभी तो बड़े बड़े जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इंडिकेटर जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, भारतीय जनता पार्टी जा रही है। माननीय मोदी जी जिनको 50 किसानों के काले झंडों से डर लगता था, राहुल गांधी हजारों लाखों के लोगों के बीच में पैदल चलता है, गले मिलता है, उनसे चलता है, और 50 किसानों के मीडिया के सामने नहीं आते, काले झंडे से मीडिया के सामने नहीं आते। क्या राहुल गांधी डरते हैं? अभी आप देखिए ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े इंटरव्यूज देने के बाद भी अगर रोड शो कर रहे हैं तो उसमें भी वो इंटरव्यू नहीं दिया भाई। अरे कितने इंटरव्यू दे दिए, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर मैं तो कहूँ की सोनिया गांधी तक ने भी। अरे चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं सामने, क्या डर है? क्या डर है? क्या डर?